राग आसा मोहला तीजा कर दूजा। बाणी कितों भी लै लो सारी इको उपदेश दे रही है, चाहे पहले पातशाह दी लै लो, दूजे तीजे चौथे पंजवें नौवें दसवें दी भगत बाणी लै लो। जिस तरह जिहड़ी दिशा सूचक सूई हुंदी है वह ध्रुवों वाले रहिंदी है, इस तरह बाणी दा इशारा परमात्मा वाले है। आसा महला पहला। गुर का शब्द मने मह मुंदरा खिंथा खिमा हडावो, जो कुछ करै भला कर मानो सहज योग निध पावो। उज्जैन नगर दे विच राजा भरथरी होया, उहदा छोटा भटा सी विक्रमाजीत, वो परमार गोत दा राजा सी। ते उन्हूं साधुआं दी संगत हो गई ते साधु बन गया, गोरख दा चेला हो गया। फिर गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह नूं मिलिया ते महाराज दी मेहर हो गई। इहदा भरा विक्रमाजीत सी, जिहदा विक्रमी संमत चलदा, वो भी बहुत वधिया राज कीता, उन्हां न्यायकारी सी। भरथरीनाथ जदों गुरु जी नूं मिलिया ते योग साधना बारे पुछिया ते महाराज भरथरी नूं मुखातब करके 29वीं जिहड़ा उपदेश उह दिंदे हन। गुर का शब्द मने मह मुंदरा खिंथा खिमा हडावो, क्यों जिहड़े योगी है वो कन्न विच मुंदरा पाउंदे आ, बलौर दीआं मुंदरां वो कन्न पाड़ के पाउंदे आ, पिंडे नूं सुआह मलदे आ ते मुड़ के घर ना जाए, चरम मनू आ। कहिंदे महाराज तुसीं कोई मुंदरा नहीं धारी ते ना कोई खिंथा रखी है गोदड़ी वगैरह। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे गुर का शब्द जिहड़ा जिहड़ा गुरु का शब्द है ना, कन्ना ना जिहड़ा सुनदे आ असीं, सुन के मन च धारण कर लैंदे आ। कहिंदे इहे असीं मुंदरा पहनी होई है, गुरु दे शब्द नूं सुनना, सुन के जिहड़ा शब्द दा भाव है मन च धारण करना, इह असीं मुंदरा धारी है। खिंथा खिमा हंडावो, खिंथा गोदड़ी केड़ी है, 100 टाकी दी ना गोदड़ी बना लैंदे आ। कहिंदे गोदड़ी केड़ी पहनी है, कई गुरु नानक साहिब दीआं तस्वीरां ते फोटो होगी ते कई टाकियां होणगियां कई रंगां दीआं, उहनूं गोदड़ी कह दिंदे आ। कहिंदे खिंथा केड़ी है, गोदड़ी केड़ी पहनी है। कहिंदे जिहड़ा परमेशर जो कुछ करदा ना उहनूं असीं चंगा करके जाणदे हां, ते असीं खिंथा खिमा जिहड़ी खिमा करनी किसे दा अपराध बख्शणा, इह असीं गोदड़ी धारी होई है, इस गोदड़ी नूं असीं पहिंदे हां हंडाउंदे हां। जो कुछ करै भला कर मनो, जो परमात्मा करदा ना उहनूं असीं चंगा जाण के मनदे हां कि परमात्मा तां बुरा करदा नहीं, भला ही करदा, उहदे कीते दे उत्ते कोई शंका नहीं करदे, कि महाराज जो करदे भला करदे। कहिंदे उह गुरू ते चेला सी, जंगल सी, उह कहिंदे इक जणा सौवे ते इक जणा जागे, ਅਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਾਰੂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੇਲਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਛਾ ਰੱਖਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਜੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਸਤਰ ਮਾਰੀ,
खून कड के बोर्ड के पत्ते ते पाता ते सप चढ़ के चले गए। चेले ने अखा खोलियां फिर मीट रही। वो पुछदा मैं तेरे शाह रग दे उत्ते घंटी ते छुरी चलाई सी तू अखा खोलियां फिर मीट रही। तू ये नहीं कहा भी मेरे छुरी क्यों मार दे। कहिंदे मैं कहा भी गुरु कोई बुरा तो करता नहीं भला ही करते जब गल बढ़ भी देंगे तम भी कोई नहीं। इस करके कहिंदे जो परमात्मा करता गुरमुख प्यारे उन्हों भला करके मनते। पंजां प्यारे की जिले चोण हुई सीस भेट होए उन्हें यह थोड़ी कहा भी असी तुहाडे चेले सिर बढ़ाने लई थोड़ी बने। भी जे महाराज सिर लैणगे सरबंस लैणगे भलाई करनगे। सहज योग नित पाव कहिंदे फिर जो करके जिहड़ी सहज की निधि है ना उन्हों असी पा लैंदे हां। एक सिद्धि होंदी है एक रिद्ध होंदी है एक निध होंदी है। ते सिद्धि है कोई शब्द का अभ्यास करके सिद्धि शक्ति प्राप्त कर लो। रिद्धि होंदी है थोड़ा जिहा अन्न पका के रख लो कपड़ा पा दो बरताई जाना मुकना ही नहीं। निधि होंदी है जिवें हीरे जवाहरात इहो जिहियां चीज़ां माया विच आ जाणियां। कहिंदे सहज द्वारा निधि नाम खजाने का। कहिंदे असीं सहज द्वारा योग करके सहज ज्ञान रूपी निधि जिहड़ी है परमात्मा ते आत्मा का ज्ञान है जिहड़ा कुछ सारियां बरकतां सारे खजाने मिल जांदे। कहिंदे उस निधि नूं असीं पाउंदे हाँ। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी। क्योंकि जो मारे गए ना समेर पर गोरख कहिंदा भी आ चिप्पी लै जाओ पानी लियाओ उत्थे उन्हें अपनी शक्ति निधियां हीरे जवाहर खिलाफते महाराज आ गया। कहिंदे जल लियाए नहीं कहिंदे पानी है नहीं उन्होंने सी पे माया देख के भरम जाएंगे चेले बन जाएंगे। तो मारे खाली लै फिर कहेंगे तो बड़े भी शक्ति वाले आ हीरे जवाहर पैदा करते आ भरम के चेले बन जाएंगे। महाराज कहिंदे असीं तां सहज जिहड़ा परमात्मा दा ज्ञान आ हां जी उहदे द्वारा कहिंदे जिहड़ी निधि बरकत आ उहनूं असीं पाया होया है। बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी परम तंत मैं जोग। कहिंदे इह बाबा तों मतलब इह परथरी जी इह जिहड़े जीव आ ना युगां युगां दे विच आ संसार दियां मन दियां बनाईयां जुगतियां नाल जुड़े हुए आ बड़ियां उकतियां जुगतियां करदे आ। कहिंदे इह जीव युगां युगां च ना संसार दे उत्ते लोकां ने बहुत ढंग रंग बनाए आ बड़ियां जुगतियां दलीलां पैदा करदे आ। कहिंदे उह च जुड़े हुए आ परम तंत में जो महाराज कहिंदे जिहड़ा परम तत्व कौन निरंकार परमेश्वर जोगम। कहिंदे असीं उस परमात्मा रूपी तत् नाल अपने मन दी बिरती नूं जोड़िया होया। अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगम रहाओ। पातशाह कहिंदे आ ये परथरी जी जिहड़ा निरंजन माया रूपी अंजन कालख तो रहत उहदा जिहड़ा नाम रूपी अमृत उह असीं प्राप्त कर लिया है। ज्ञान काया रस भोग हुण कहिंदे साडी जिहड़ी काया बुद्धि है ना उह ज्ञान दे नाम दे रस नूं भोग रही है। ज्ञान दा जिहड़ा रस आ उहदा आनंद माण रही है। शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादम। शिव कौन जिहड़ा कल्याण स्वरूप शांत कल्पना तो रहत भाव की है उहदी जिहड़ी ब्रह्म रूपी नगरी है उस नगर दे विच कहिंदे आसन लाया इस्तत होके टेक के बैसो बैठ रहे हैं।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹਨ ਕਲਪਨਾ ਰਵਤ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਕਲਪਨਾ ਹਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਲਓ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿਅਰਥ, ਉਹ ਬਾਦੰਗ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਬਾਦੰਗ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ ਤਿਆਗਤੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘੀ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਧੁਨ ਸੋਹੈ ਅਹਿਨਸ ਪੂਰਾ ਨਾਦਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘੀ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਹਰ ਸਿੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਪੈਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬੋਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਗੀ ਵਜਾਉਣੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਧੁਨ ਸੋਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਧੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗੀ ਸਾਡੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਹਿਨਸ ਪੂਰਾ ਨਾਦਨ, ਅਹਿਨਸ ਮੈਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਜੋਤ। ਪੂਰਾ ਨਾਦਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਦ ਪੂਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਦ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨਮਤ ਡੰਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਬਭੂਤੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਤਰ ਅੱਧਾ ਖਪਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤ ਪਾਤਰ ਕੀ ਤੂੰਬਾ ਜਾਂ ਚੀਪੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੀਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੂੰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਤਰ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਪਤ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਮਤ ਡੰਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ, ਤਿੰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਬਭੂਤਮ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਭੂਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਭੂਤੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਭਭੂਤੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਤੀਤੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰੋਹ ਰੀਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਇਵੇਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਆ ਦੁਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
गुरमुख पंथ अतीतं कहिंदे गुरां द्वारा गुरु की कृपा द्वारा अतीतं जिहड़ा सारिआं तों असंग निरलेप रहिंदे ने दुनिया के जाल च नहीं फसदे ये कहिंदे साडा पंथ आ अतीत रहना सारिआं तों असंग रहना निरलेप रहना ये साडा पंथ आ ये साडा मार्ग आ सही सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेक जड़ी जिनी भी सृष्टि है ना सगली सारी ये नाना तरह की अनेक तरह के रंग रूप है ना उन्हें एक जोत जड़ी है आत्मा रूपी ज्योति शरीर तो जुदे जुदे है जड़ी आत्मा वो एक ही है जिमें बल्ब आ ट्यूबा आ पखे आ हीटर आ कूलर आता जुदे जुदे है ना बिजली एक क्या दो एक क्या इस तरह आत्मा सारा च एक ये शरीर जड़े जुदे जुदे तो बल्ब हूँ रंग बिरंगे हो बिजली का तो कोई रंग नहीं वो जिहोजे बल्ब में दिसन लग पी ट्यूब चूब ट्यूब बन जाती है बल्ब बल्ब रंग रंग वाली रंग वाली बन जाती है आत्मा एक ही है शरीर जुदे जुदे है इस करके कहते सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेक नाना तरह के वर्ण रंग आ अनेक तरह के जड़ी सारिया जोत आ समया समाई हुई इनू असी जानिया यह साड़ी संज्ञा आ फलानी का की जात आ की गोत आ किस तरह का है कहिंदे साड़ी तो यही संज्ञा साडा तो यही नाम आ सगली जोत हमारी समया जड़ा समया मैंने समाई हुई जानी है यही साड़ी संज्ञा यही साड़ा नाम उपनाम है कौ नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म ले वेक महाराज सच्चे पातशाह कहंदे हे परथर जोगी सुन लै एक जड़ा ब्रह्म परमात्मा वह साड़ी लिव लग रही है यही साड़ा जोग आ जड़ी परमात्मा साड़ी लिव लगी ना यही साड़ा जोग आ ते जे हुण कन्ना च मुद्रा भी पा लिया सुआह भी मल ली चिपी भी फड़ ली डंडा भी फड़ लिया ते मन किते होर पासे घूमदा बिरती जुड़ी नहीं ते फिर जोगी किवें होया जोग कादा होया कहिंदे जिहड़ी साड़ी लिव सुरती बिरती हर वेल मार्ग नाल जुड़ी हुई आ इह साड़ा जोग है आसा महला पहला हुण भरथरी कहिंदा महाराज योग तां तुसीं ठीक दसता ते असीं जिहड़े समाधि लाउने आ शराब का प्याला पी लैने आ ते बिरती बड़ी टिकदी है जिवें अज कल लोग अमली कई तरह ने वाधू घाटू गल्लां करदे आ ते प्याला पी के बड़ी मस्ती चढ़दी है बिरती बड़ी लगदी है फिर तुसीं भी आ प्याला पी लो ते बिरती जुड़ जाऊगी ते महाराज कहिंदे असीं तां अगे पीती होर नवीं कड़ी पीणी है कहिंदे तुसीं कड़ी पीती है महाराज कहिंदे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै करण करणी कस पाई है पातशाह कहिंदे सुन परथर जोगी कहिंदे जिहड़ा ज्ञान है ना इहदा असीं गुड़ बनाया हो क्यों ज्ञान नूं मिठी चीज़ कोई नहीं गुड़ पाउंदे ना पानी पाउंदे मट्टी विच फिर वह कढ़दे आ मट्टियां कहिंदे जिहड़ा ज्ञान का गुड़ आ ध्यान रूपी तावे दे फुल पाए हुए तावे दे विच फुल पाउंदे आ तावे दे फुल पाए आ ते जिहड़ी श्रेष्ठ करनी है ना श्रेष्ठ काम करने आ हां जी वह कहिंदे बबूल का सक पाया किकर का सक पाया हुआ जिहड़ी श्रेष्ठ करनी करनी आ नेक काम करने आ ये किकर का बबूल का सक पाया हुआ पाठी भवन प्रेम का पोचा इस रस अम्यों चुआई है फिर महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे आ कि यह जिहड़ी देह रूपी भवन इहदे अंदर जीवात्मा है ना उहदा घर आ जिहड़ी देह अंतश करने
और जेडे 14 भवन आ 7 उत्ते दे लोग 7 थले दे ये जेड़ा नास रूप करके जानना ये सदा रहने वाली चीज नहीं इहनू कहिंदे असीं भट्ठी बनाया होया ये भट्ठी बनाई है और जेड़ा परमात्मा दी भगती वाली बिरती बना ली है ना भगती दे आकार दी बिरती बना ली है ये घड़ी बनाई हुई है घड़े पाउंदे ना ते ओह उबलदी है फिर वो ठंडी कर करके दूए पासे कढ़दे आ अर्क कढ़दे आ ये देह रूपी भवन जीवात्मा दा कहिंदे घर आ जिथे जीवात्मा रहिंदी है ये जेड़े 14 भवन है ना 14 लोक ये असीं नास रूप जाने हैं ये भट्ठी कीती है और जेड़ा भगती वाली बिरती बना ली है ये घड़ी है भाठी भवन प्रेम का पोचा प्रेम का पोचा दिता हुआ प्रेम का पोचा मारिया ये फेरिया ये तरस अम्यों चुआई है ये तो मैंने इस तरीके ना ये नाम रस जड़ा अमृत है ना इनू चुआना कर दिया बाबा मन मत बारो नाम रस पीवे सहज रंग रच रहे बाबा मैंने हे पाथरी जी नाम दा जड़ा रस है नाम नू रस नाम रूपी रस जड़ा ना पी के असी मतवाले मस्त हो गए सहज रंग रच रहे जड़ा सहज ज्ञान दी रंगन चढ़ी हुई है ना इस रंग विच असी सदा रचे मिचे रहने ये ज्ञान दा रंग है उस आनंद विच असी सहज अवस्था विच हर वेले रचे मिचे रहिंदे हां एहनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहत गहे आ रहा फिर कहिंदे महाराज हे पृथ्वी जी प्रेम करके जड़ी श्रेष्ठता बनी है ना पवित्रता बनी हुई है इहदे च कहिंदे साडी लिव बिरती जड़ी हमेशा लगी हुई है ये बिरती लग रही है बिरती जुड़ी हुई है शब्द अनाहद गहया रहा अनाहद जड़ा जिहदी हद कोई नहीं एक रस शब्द कौन जड़ा ब्रह्म परमेश्वर है उहनू असीं गहया मैंने ग्रहण किया है शब्द दी टनकोर हो रही है बिरती एकाग्र हो गई है ते हुण असीं उस आनंद नूं उस परमात्मा नूं ग्रहण किया है पूरा साच प्याला सहजे ते सह पियाए जा को नदर करे महाराज कहिंदे आ कहिंदे ओ जिहड़ा सदा सच रहण वाला पूरा साच सच सच ही पूरा है झूठ पूरा नहीं अधूरा ही है कहिंदे तां प्याला है साडा कहिंदे उह परमात्मा जी ते मेहर दी दृष्टि करदा ना उहनूं इह जिहड़ा सहज ज्ञान अवस्था दा आनंद आ उहनूं उह पलाउंदा है किहनूं जा को नज़र करे जी ते मेहर दी नज़र करदा सहजे तिसे प्याए ये सहज अवस्था दा आनंद जिहड़ा उहनूं उह पलाउंदा जी ते मेहर दी निगाह करदा है अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछे भाओ तरे पातशाह कहिंदे पृथ्वी जी जेड़े गुरमुख प्यारे है ना वो इस नाम अमृत रस दे व्यापारी है इहदे व्यापारी बन जांदे आ वो फिर नाम रस दे जेड़े व्यापारी बन गए ना आप भी पींदे आ जिज्ञासु नूं भी पिलाउंदे आ कहिंदे जिन्हां ने इस रस नूं पी लिया वो जिहड़ियां झूठियां शराबां छूछे छूछे मद जिहड़े तुच्छ मद तुच्छ शराबां इन्हां नाल कदे भी प्रेम नहीं करदे क्या मद छूछे भाओ तरे ये जिहड़े छूछे मद आ ना खाली जिन्हां चों लज्जण लजाउण नूं नहीं है देह भी गल दी पैसा भी बर्बाद
कला कलेश लड़ाई झगड़े भी 58 करोड़ जाद शराब ने गाल दते कहंदे हो इहदे नाल प्रेम नहीं करदे कहंदे फिर ये जिहड़ी शराब असीं दसी है ना इहदे च लावे लावे जिहड़ी आप पीने आ इहच सवाए नुकसान ते कुछ भी नहीं। हुण अगे दसदे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान पाया कहंदे गुरां दी साखी की जिहड़ी सतगुरां दी शिक्षा है ये सिख्या रूपी जिहड़ी बाणी ये बाणी नाम रूपी अमृत नूं पीणे ना पीवत ही परवान पाया कहंदे उह जिहड़ा पुरश है ना जिहड़े समें पींदा नाम रूपी अमृत कहंदे उह पुरख प्रमाणिक हो जांदा दरगाह च प्रवान हो जांदा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिल जाता वो पुरश प्रवान है। दर दर्शन का प्रीतम हुआ मुक्त बुकुंठ है करे क्या फिर कहंदे हैं दर अंदर भाव हिरदे विच जां सत्संग दे अंदर गुरु की संगत द्वारा परमात्मा दे दर्शन का वह प्यारा बन जाता है फिर वह मुक्त पुरख जड़ा ना मुक्त है बकुंठ लोग नूं कहंदे की करे कहंदे ओ तां निर्वाशना वाली बिरती बन जाती कोई वाशना इच्छा ही नहीं रहती मुक्त बकुंठ है क्या करे मुक्त होना जां बकुंठ जाना वो तो यह भी फुरना नहीं करता और फुर हो जाता हाँ जी बकुंठ लोग नूं कहंदे की करे पर जदू की बादशाह नहीं रही कोई इच्छा ही नहीं रही हाँ जी मुक्त बपड़ भी ज्ञानी त्याग उन्होंने त्याग दिया वो जरा मुक्त पुरश आ बकुंठ लोग क्या करे हूँ बकुंठ लोग की करेगा वो तो मुक्त हो गया कोई फुरना ही नहीं रह गया बादशाह तो मुक्त हो गया रहत हो गया निर्वाशना बादशाह तो रहत कोई इच्छा ही नहीं रही सिफती रत्ता सदवै रागी जुए जन्म न हारे महाराज कहंदे जिहड़ी सिफती कौन परमात्मा निरंकार परमेश्वर उहदे प्रेम च रत्ता होया रंगे होए मन वाला सदा बराग अवस्था दे विच रहिंदा ये जिहड़ा विशे जहर रूपी जुए दे विच उह मनुष्य जन्म नूं नहीं हारदा विशियां दी पकड़ विच नहीं आउंदा बकारां तों रहत हो जाता है। कौह नानक सुन परथम जोगी खीवा मृता रह महाराज कहंदे ये परथरी जोगी सुन लै प्यार नाल कहंदे उस अमृत की धार जड़ी बगदी है ना उस खीवा मैंने मस्त हो जाता तुसी वे झूठिया शराबा के प्याले छड़ के जड़ी शराब बारे असी दसिया ना ये पी के सदा वास्ते खीवा मैंने तुसी भी मस्त हो जाओ आत्मा का जड़ा आनंद लो है ये पी ले उन्ना चिर रहा मुड़ के फिर तोड़ लगूगी तो जी नाम रूपी अमृत की शराब है ये सदा रही है क्योंकि पोस्त भंग अफीम उतर जाए प्रभात नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात ये महाराज की पावन बाणी का उपदेश है क्योंकि शर्म नहीं शरारत आमे नहीं पानी ये शरारत का पानी है। हुण कई कहणगे लो जी किकर दा साग आ तुसीं दातण नहीं करदे गुड़ नहीं खांदे पानी नहीं पींदे पर ये है भी जदों उहनूं बणाउणे उच्च एक ऐसा रिएक्शन पैदा हो जांदा जिहड़ा दिमाग नूं खराब करदा हुण शहद भी अमृत है घिओ भी अमृत है जे दोनों एको जिहे रला दईए जहर बण जांदे आ जां घिओ वध होवे जां शहद हुण है तो शहद भी चंगा सी घे भी चंगा सी पर मिलने नाल रिएक्शन हो गया ना गुड़ भी ठीक है किकर दा साग भी दातण करदे ही आ पानी भी पर जदों फिर बॉयल किया उहनां विच एक ऐसा उगण आ गया जिहड़ा बुद्धि नूं खराब करदा सो इस वास्ते कहिंदे जिन्हां नूं नाम रूपी अमृत
ਦੀ ਧਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬਾਕੀ ਮਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਥਰੀ ਜੀ, ਪੰਨ ਬੋਤਲ ਤੋੜ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੈਣਤ ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਪੀਣਾ ਕਰੋ। ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਖੀਵਾ ਮੈਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।